दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो कि काफी डरावनी हैं। उत्तरी इटली के वेनेटियन लुगुंस आइलैंड को पूरी दुनिया में मौत के आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो भी जाता है उसका जीवित लौटना मुश्किल है। दरअसल इस आइलैंड की ऐसी खौफनाक कहानी है जिसकी वजह से यहाँ कोई भी नहीं जाना चाहता। इसके बारे में लोग बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले इस आइलैंड पर 1.5 लाख प्लेग के मरीजों को जिंदा जला दिया गया था, जिसके बाद से इस आइलैंड पर जाना प्रतिबंधित है। इस आइलैंड पर प्लेग के मरीजों को मरने के लिए लाकर छोड़ दिया जाता था। बाद में ब्लैक डेथ यानी कि काला बुखार के समय भी इस आइलैंड पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। पहले इस आइलैंड पर जो लोग मरते थे उन्हें यहीं दफना दिया जाता था, लेकिन जब बाद में बीमार लोगों की संख्या काफी बढ़ गई तब लगभग 1,60,000 बीमार लोगों को यहां जिंदा जला दिया गया था। इस घटना के बाद से लोग आइलैंड को भुतहा मानने लगे और उस घटना के बाद से यह आइलैंड वीरान है। साल 1922 में इस आइलैंड पर मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन कुछ ही सालों बाद इसे बंद करना पड़ा। बताया जाता है कि यहाँ डॉक्टर्स और नर्सों को कई असामान्य चीजें दिखाई देने लगी थी। वहीं पागल खाने में भर्ती मरीजों को भी प्लेग के मरीजों के भूत दिखते थे। इसके बाद इटली की सरकार ने साल 1960 में इस आइलैंड को प्राइवेट मालिक को बेच दिया। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ यहाँ कुछ दिन रहा और फिर छोड़कर चला गया। फिर एक दूसरे परिवार ने इसे हॉलीडे होम बनाने के लिए खरीदा, लेकिन वो भी यहाँ नहीं रह सका। कहा जाता है कि आइलैंड के मालिक की बेटी के मुंह को किसी ने काट दिया था, जिसे जोड़ने में 14 टांके लगाने पड़े थे। कई लोगों ने यहाँ पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन सच तलाशने गए ज्यादातर लोग यहाँ से जिंदा लौटकर नहीं आ सके और ये आइलैंड हमेशा के लिए वीरान हो गया। वहीं जो लोग इस आइलैंड से बचकर लौटे उनका कहना था कि यहाँ पर बीमारी से मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं।